सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है सभी को नमस्ते तो आज हिंदी में श्रीलेखा दीदी की शेयरिंग है जी तो श्रीलेखा दीदी अभी पीवीजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सेवाएं दे रही है और दीदी ने आ, अपनी वर्कशॉप जो है वो जून 2021 में की थी और रिफ्रेशर भी वर्कशॉप कर ली दीदी ने और ऑनलाइन और ऑफलाइन टू की वर्कशॉप दीदी ने की है दीदी अभी एज ए वॉलंटियर मराठी ट्रांसलेशन में काम कर रही हैं और दीदी यूएचवी वर्कशॉप में मॉडरेटर की भूमिका भी निभाते हैं दीदी रीजनल फेस टू फेस वर्कशॉप मीटिंग में भी मॉडरेशन का काम देखते हैं और दीदी होलिस्टिक uh, हेल्थ जो बुक है उसका भी रिव्यू कर रहे हैं तो दीदी आपका स्वागत है आपकी शेयरिंग रखने के लिए ओवर टू यू दीदी धन्यवाद दीदी Uh, मैं श्रीलेखा गणेश ऑफ इंजीनियरिंग uh, पुणे महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ uh, मेरा सब्जेक्ट केमेस्ट्री है मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में केमेस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ यूएचबी से जुड़ने का कारण भी यही था कि मुझे एक दिन अपने में ही एक uh, प्रश्न उपस्थित हुआ कि सुख क्या है और लॉकडाउन के वक्त यूट्यूब पे यूएचवी के वीडियोस चल रहे थे और उसमें व्हाट इज हैप्पीनेस करके मुझे दिखाई दिया और उसके बाद मैंने यूएचवी के वर्कशॉप किए और यूएचवी के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं अभी आ, अभ्यास एक और एक दो में उसमें उसके बारे में शेयर करूंगी अभी तक मेरा जितना भी जितनी भी समझ हुई है मैं आ, उसे आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ पहली स्टेप जो है कि इस क्षण में चल रही कल्पनाशीलता को देखें इच्छा विचार आशा को देखें बिना कोई प्रतिक्रिया करिए किए पहले तो मैं अपनी कल्पनाशीलता को पूरी तरह से नहीं देख पाती थी अपेक्षा के तौर पे देखती थी लेकिन धीरे धीरे मैं विचारों को और मेरी कल्पनाशीलता को देख पाई प्रतिक्रिया होती थी लेकिन अभी इस सेशन में मॉर्निंग सेशन में और यूएच बी थ्री के वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुझ में ये मैं ये देख पाई कि मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है और उसको ऑब्जर्व कर पाई कोई भी प्रतिक्रिया ना देते हुए पहले बहुत शिफ्ट होता था विचारों में एक जगह से दूसरी दूसरी से तीसरी जगह पे और वो शिफ्टिंग के कारण मैं ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाती थी लेकिन इस बार निर्णय से मैंने उसको देखा और, और मैंने ये पाया कि ये सारी जो कल्पना मैं कर रही हूँ मैं खुद चला रही हूँ और इसमें सारे कैरेक्टर भी मेरे खड़े किए हुए हैं और मैं उनसे ही कम्युनिकेट कर, रह, कर रही हूँ और ये भी देख पाई कि मैं इसमें संबंध के साथ प्रस्तुत हो रही हूँ विरोध के साथ हो रही हूँ इसको भी मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर पाई और देखा कि विरोध का भाव ज्यादा चल रहा है और बाकी भाव है लेकिन पहले तो विरोध का भाव आ रहा है और उसी वजह से मेरी प्रतिक्रिया हो रही है फिर मैंने फिर से उसको ऑब्जर्व किया कि मेरी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है मैंने क्या समझ के रखा है और आ, मैं इस स्टेज पे आ सकी कि मैं कोई भी प्रतिक्रिया ना करते हुए मेरे भाव विचारों को देख पाई इस क्षण में आप में जो भाव चल रहे हैं उसका वो आपको सहज स्वीकार है या नहीं तो जो असहज भाव थे मुझ में विरोध के भाव थे वो तो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं थे उसकी वजह से ही मुझे इरिटेशन आती थी कभी एनजाइटी भी बढ़ती थी एसिडिटी भी बढ़ती थी तो मैंने कहा अगर इसको रिजोल्व करना है तो मुझे ये इरिटेशन पे ही काम करना होगा और मैंने सहजता से उसे देखा तो मैं इतनी आराम में आ गई कि ये तो अन्यथा भाव है इसका कोई मतलब ही नहीं है मुझे तो संबंध के साथ रहना है और जब मैंने ये भाव देखा कि मुझे तो संबंध के साथ रहना है तो वो इरिटेशन का भाव धीरे धीरे पूरी तरह से निकल गया जो भी मुझे इरिटेशन होती थी जो मुझे ट्रिगर करती थी जब भी वो सिचुएशन आती थी तो मैं देखती थी कि मैं मुझे संबंध में रहना है या विरोध में रहना है तो झट से आंसर आता है संबंध में रहना है और एकदम मैं स्थिर होके सामने वाले की जो बात है उसे सुन पाती थी कि सामने वाला जो कुछ भी बात कर रहा है और मैं ट्रिगर हो रही हूँ वो इरिटेट हो रहा है उसका कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है तो मैं खुद शांत रह के थोड़ी देर के बाद उनके साथ बात करते हुए मुझे ये दिखाई दिया कि वो सामने वाला भी ओपन अप हो रहा है अपनी जो प्रॉब्लम है बता रहा है वो भी आराम में आ रहा है और इस तरह मैंने देख पाई कि मैं बहुत शांति में अपना उस वक्त का जो इरिटेशन है उसको समझ पाई और कोई भी प्रतिक्रिया में नहीं जा रही हूँ और ऐसी सिचुएशन आती रही दिन भर में भी जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें भी आती रही लेकिन संबंध के भाव के साथ स्थिर रह पाई ये मैं इस बार पूर्व अच्छी तरह से कर पाई हूँ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में भी जो आ, प्रतिक्रिया थी वो नहीं हुई है और मैं एक शांतता शांति खुद खुद में महसूस करती हूँ घर में कार्य करते वक्त मुझे घर के लोगों का केयर करना था मेडिकल कंडीशंस थी तो वहाँ पे भी मुझे छुट्टी लेके घर पे काम करना था तो मैं मैंने देखा कि मैं जो मेरे रिलेटिव्स का केयर कर रही हूँ बॉडी का केयर कर रही हूँ सेल्फ का भी उसमें आता है तो ये मैं कौन से प्रभाव में कर रही हूँ कि सामने वाला का, सामने वाला वाले से मिलने के लिए कर रही हूं? या मैं सहजता से इसे कर रही हूँ तो मैंने देखा कि ये भाव मुझ में है और मैं सामने वाला भी बीमार है नहीं खुद काम कर सकता तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी सेवा करूँ इस भाव से मैं काम कर रही हूँ ना कि कोई भी प्रशंसा मुझे उनसे या भी किसी चीज की मुझे उनसे अपेक्षा है एक दिन ऐसे ही मैं सेवा भाव में थी और मैं देख पाई कि ये सेवा करते वक्त मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझ में एक समाधान की वृत्ति मैं महसूस कर पाई लेकिन थोड़ी देर दिन दिनों के बाद Uh, मैं खुद बीमार हो गई मतलब ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मुझे uh, फीवर uh, महसूस हुआ लेकिन काम तो करना था जो uh, जिनका भी सेवा का काम था मुझे खाना बनाना है या दवाई देना है ये मुझे करना था लेकिन मैं खुद इरिटेट ना होते हुए कि मैं खुद ही बीमार हूँ अब मैं कैसे करूंगी ये भावना आते हुए मैं खुद को संभालते हुए बिना कोई प्रतिक्रिया किए सेवा में रह पाई ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन इस बार बना है और इसके साथ मैं खुद में बहुत व्यवस्था और शांति महसूस कर पाई एक क्षण भाव विचार चल रहे हैं इसका निर्णय कौन लेता है बाह्य परिस्थिति या मेरी समझ तो जो कुछ भी मैं निर्णय लेती हूँ मेरी कल्पनाशीलता में या जो भी मेरा बाहर भी निर्णय लेने का काम होता है वो पूरा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। पहले मैं बाहर की सिचुएशन से ट्रिगर हो जाती थी। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के टीवी में अगर कोई बुरी खबर आती है तो मेरा ध्यान उधर जाता था और मैं प्रभावित हो जाती थी लेकिन अभी मैं प्रभावित नहीं होती हूँ वो उस खबर को सुन के एक इंफॉर्मेशन के तौर पे लेके ठीक है हमें घर के बाहर जाना होता है काम करना होता है तो उसका कैसे उपयोग हो सकता है इस इसको लेके मैं शांति खुद में महसूस करती हूँ पहले मैं किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत बुरा लगता था ऐसे लगता था कि सामने वाला मुझे समझ में समझ नहीं रहा है ऐसे क्यों बात कर रहा है मेरा ईगो हर्ट हो जाता था घर के लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा होता था अम्म आज कंपेयर्ड टू वर्कप्लेस तो मैं बहुत दिनों तक हर्ट हो जाती थी कि ऐसे क्यों कहाँ ऐसे क्यों कहाँ फिर इन मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं मैं क्या चाहती हूँ मैं संबंध चाहती हूँ या विरोध चाहती हूँ तो अब फिर से संबंध पे ध्यान जाने के बाद मैं जो सामने वाला रिएक्शन में जा रहा है उसको समझते हुए भी इनके साथ संवाद साथ पाई और मैं खुद में आराम में रह पाती हूँ और ये ऑब्जर्वेशन मेरा कंटिन्यूएशन में आ, शुरू है और मैं हर क्षण अपने में आ, इस कल्पनाशीलता को देख पा रही हूँ और आ, इरिटेशन या रिएक्शन में नहीं जा रही हूँ इसका मेरा अभ्यास शुरू है इस क्षण आप में जो भाव विचार चलते हैं उसका निर्णय आपने किस आधार पर लिया है प्रीकंडीशनिंग या राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ तो मेरी तो मतलब मान्यता तो बहुत सारी है लेकिन एक मान्यता मेरी जो टूटी है यूएचबी के वर्कशॉप के साथ कि मैं शरीर नहीं हूं मैं दो इकाई हूँ एक चैतन्य है और शरीर है और इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत बदलाव मैं देख पाई जो संबंध है सभी मानव के साथ या सभी यूनिट के साथ उसको देखने के लिए मुझे ये कंडीशनिंग मान्यता को हटने के हटने से बहुत मदद हुई है एक एग्जाम्पल देना चाहती थी कि मुझे पहले मरने से बहुत डर लगता था कुछ भी हो जाता था ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद कैसे होगा मेरे बेटे का कैसा होगा मेरे फैमिली का कौन ख्याल रखेगा ऐसे बहुत डर लगता था लेकिन जब से ये मान्यता हटी है कि मैं तो कंटिन्यूटी में बनी हुई हूँ और शरीर तो मेरा साधन है तो शरीर के प्रति प्रति भी मेरा भाव बड़ा है और ये जो मृत्यु का भय के वजह से जीना होता था वो अभी मतलब भय से नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होता है इसी के साथ मैं शरीर में होने वाले बदलाव को भी समझ पाती हूँ एज पर एज आ, हम हमें जो बदलाव होते रहते हैं उसको भी मैं एक्सेप्ट कर पाती हूँ भाव का निर्णय विश्वास सम्मान स्नेह के साथ इवैल्यूएट इवेल्युएट करना आ, करने की प्रोसेस शुरू है अभी भी आ, ट्रस्ट इशू थोड़ा बन बनता है लेकिन आ, बहुत हद तक उसको मैंने सॉल्व किया है इसे मुझे लगता है पहले तो पहले ही सेंटेंस में ही मतलब एक प्रतिक्रिया हो जाती थी अविश्वास हो जाता था लेकिन अभी विश्वास के साथ में आगे बढ़ पा रही हूँ अभी भी ईगो डिप्रेशन दिखाई देता है कभी कभी मैं खुद को ओवर इवैल्यूएट कर लेती हूँ और कभी अंडर इवेलुएट कर लेती हूँ तो राइट इवेल्युएशन के लिए अभी भी काम शुरू है पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहती थी Uh, मेरा सारा सुख uh, मुझे लगता था एक्साइटमेंट में ही है तो बाहर की चीजों में ज्यादा ध्यान जाता था कि डेकोरेटिव सी, uh, कपड़े खरीदना शॉपिंग करना खाना बनाना ऐसे सारी एक्साइटमेंट में होती थी लेकिन अभी मैं वो एक्साइटमेंट खुद में नहीं देखती हूँ और uh, शांति महसूस करती हूँ स्टेप सिक्स जो है उसके ऊपर अभी uh, काम शुरू है जब मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझते हुए मेरे भाव विचार चलते हैं तो मैं खुद में आराम पाती हूँ यहाँ तक मैं अभी स्टेप सिक्स को कर पाई हूँ सह अस्तित्व को पूरी तरह से नहीं समझा है लेकिन मैं इसको समझना चाहती हूँ ये मेरी प्रायोरिटी बनी है कि मुझे सह अस्तित्व को समझ समझना है दूसरी जो एक्सरसाइज uh, है ऑब्जर्विंग सेल्फ बॉडी थ्रू द सेल्फ आई हैव टू ऑब्जर्व द बॉडी तो मैं हूं और मेरा शरीर भी है ये मैं देख पाती हूं और दोनों के बीच में स्पेस है वॉइड है ये अभी इंफॉर्मेशन के तौर पे है लेकिन जो भी शरीर और मैं के बीच में आदान प्रदान होता है वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे होता है और मैं सेंसेशन के तौर पे उसको पढ़ पाती हूँ ये यहां तक मैं अभी समझी हूँ फॉर एग्जांपल कि सुबह जल्दी उठना है तो निर्णय कौन लेता है तो सेल्फ लेता है और कभी कभी मैं सोने का निर्णय लेती हूँ कि नहीं अभी नहीं उठना है या फिर कोई काम थोड़ी देर के बाद करना है ये सारे निर्णय मैं खुद लेती हूँ शरीर सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है ये बात मैं क्लियरली समझ पाई हूँ शरीर से आने वाली संवेदना को पढ़ के मैं उसको क्या अर्थ देती हूँ तो uh, सब फॉर एग्जाम्पल पैरों में दर्द हो रहा है तो uh, मैं देख पाती हूँ कि ये दर्द क्यों हो रहा है uh, इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा इसके बारे में मैं सोचती हूँ ना कि वो दर्द के वजह से पैनिक होके बैठना है या फिर रिएक्शन में जाना ये बात अभी नहीं होती है पहले होती थी पहले मैं बहुत ही जल्दी रिएक्शन uh, में चली जाती थी कि थोड़ा सा भी बुखार आ गया तो, uh, तो uh, एंटासिड ले लिया लेकिन अभी शरीर को समझते हुए उसकी उससे आने वाली संवेदना को समझते हुए मैं उपाय योजना कर पाती हूं कि मैंने मुझे शरीर का ठीक से ख्याल रखना चाहिए ठीक से खाना खाना चाहिए ताकि सही वक्त पे खाना चाहिए खाना चाहिए तो एसिडिटी ना बढ़े और कोई मेडिसिन की जरूरत ना हो और बुखार के बारे में भी ये देख पाती हूँ कि थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वो टेम्परेचर मतलब बॉडी खुद को तो रिकवर कर लेती है तो ये बात भी मैं खुद में देख पाती हूँ तो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई है अ, मेडिकल कुछ इशू है लेकिन वो एज के साथ है और न, न, हार्मोन इम्बेलेंस के साथ है तो वो भी मैं कॉन्शियसनेस के साथ देख पाती हूँ कि आ, मेरे निर्णय से मैं इसको ठीक कर पाऊ इसके ऊपर मेरा काम शुरू है मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है मैं निरंतर क्रियाशील हूँ ये आ, समझ में आया है लेकिन उसको देखा मतलब अभी जो एक्सरसाइज चल रही है उसके हिसाब से मैं देख पा रही हूँ लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत अभी काम बाकी है संस्कार के रूप में जो बातें बाहर आती है कि एक पैटर्न बना हुआ है जीवन जी, जीने का और उस पैटर्न से बाहर जब निकलते हैं तो अस्वस्थता महसूस होती है तो वो भी मैं संस्कार के रूप में खुद में देख पाती हूँ और एक्सरसाइज टू में मुझे लगता है और वक्त देके काम हो पा हो पाएगा तो मैं उसे अच्छे से समझ पाऊंगी तो यहाँ तक मेरी अभ्यास एक और अभ्यास दो के बारे में सजगता बढ़ी हुई है और मैं आगे इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ सुख स्वभाव है ये तो मैं समझ समझ पाई हूँ मैं समेदना नहीं हूं और उसके लिए जो कुछ भी प्रोग्राम है उसको मैं करती हूँ अभी मैं एक्साइटमेंट में नहीं रहती हूँ ये मैं देख पाती हूँ और समय आ, मैं कितना समय लगाती हूँ अपनी समझ बढ़ाने के लिए तो मॉर्निंग सेशन सैटरडे संडे मीटिंग के साथ प्रेजेंटेशन करना और प्रेजेंटेशन करते वक्त भी यूएचबी कंटेंट को एक्सप्लोर करना मैं डेली ये काम करती हूँ मेरी जिम्मेदारी मैंने भागीदारी यूएचबी में है ही कि मैं मॉडरेशन का काम करती हूँ मीटिंग में भी मॉडरेशन जब भी जरूरत हो करती हूँ फेस टू फेस मीटिंग में भी जो एफ के फेस टू फेस मीटिंग होती है उसमें भी मॉडरेशन का काम करती हूँ और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी तो इस कमिटमेंट के साथ मेरा शेयरिंग रोकती हूँ धन्यवाद दीदी जी शर्मिला दीदी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीदी की शेयरिंग के लिए आप अपने कमेंट्स रखें जी नमस्ते श्रीलेखा जी नमस्ते दीदी बहुत ही अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के बहुत ईमानदारी से आपने पूरे पूरे स्टेप्स पर ना हर बिंदु पर आपने बात करी और बहुत क्लियरली बहुत क्लैरिटी के साथ आपने ये रखा कि आपको क्या स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं किस पर आप काम कर रहे हैं तो ना कौन सी स्टेप्स अभी नहीं दिख रहे हैं यही करने का काम है तो हम और लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम सारे स्टेप्स देख पाए ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें जो दिख रहा है उसके बारे में हम बात कर पाए उससे अपनी क्लैरिटी बढ़ाएं कि और हमें कितना आगे काम करना है आई थिंक आपने एक तो बहुत ऑनेस्टली सिंसियरली ना ईमानदारी के साथ इस बात को पूरी बात को रखा और दूसरा आ, 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 आप में जो ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ सेशन से लेके आप शायद फिफ्थ बैच से जुड़े हैं तो हाँ तो बहुत सारा चेंज आई एम श्योर जो आपने मेंशन किया आपने भी अपने अंदर पाया है और आपकी शेयरिंग से भी मालूम होता है तो आ, मुझे लगता है कि ऐसे ही आप कंटिन्यू रखें अपनी जर्नी को और इसको थोड़ा जैसे जैसे आप और इसमें और गहराई से जाएंगे हर बिंदु में तो तो और अच्छे से समझ बढ़ेगी तो बहुत बहुत बढ़िया एंड आपको बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए धन्यवाद दीदी मैं यहाँ पे सभी मेंटर्स को एक्सप्लोरर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे एक्सप्लोरेशन uh, को समझ मेरी एक्सप्लोरेशन को समझते हुए मेंटर्स ने तो बहुत हेल्प की है और के एक्सप्लोरर्स से भी मुझे बहुत हेल्प हुई है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी का धन्यवाद सभी